डोईवाला में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई बीमारियों की जांच कर निशुल्क आयुर्वेद दवाइयां वितरित की गई और आयुर्वेद के महत्व से सबको परिचित करवाया गया। डोईवाला में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई बीमारियों की जांच कर निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर राजीव कुरेला ने बताया कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवम्बर को मनाया जाएगा, जिसके लिए महीने भर अभियान चलाकर आयुर्वेद का महत्व लोगों को बताया जा रहा है। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर राजीव कुरेले ने लोगों को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए घरेलू उपचार एवं बचाव के उपाय भी बताए। हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि 10 नवंबर को मनाया जाएगा। तो पूरे देश भर में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से और हमारी जो रेगुलेटरी संस्था है NCISM, इसके तरफ से हमें निर्देश प्राप्त हुए कि पूरे महीने भर यानी कि 29 सितंबर से 10 नवंबर तक ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है अभी कई सारे जो है बच्चों की मेडिकल क्विज कराई, फार्मर्स फॉर आयुर्वेदा, जिसमें किसानों को जड़ी बूटियों के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने कई सारे कंपटीशन, जैसे रंगोली कंपटीशन है, पोस्टर प्रतियोगिता है, स्पीच कंपटीशन है, वीडियो क्रिएशन के प्रोग्राम है, ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम है, कई तरह के हमने 11 विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करे। इसी में ये था कि जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इस थीम के अंतर्गत हम जो है गांव-गांव में लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमारी सारी टीम में हमारे डॉक्टर ऊषा जी हैं, हमारे डॉक्टर हेमराज जी हैं, हमारे चीफ फार्मासिस्ट हमारे विवेक जी हैं और हमारी पूरी एम्बुलेंस के साथ पूरी जो टीम है और दवाइयों के साथ आई है। और शरद ऋतु और शीत ऋतु में जो होने वाली जनसामान्य की बीमारियां हैं और घर परिवार में कैसे हम अपने किचन भी एक छोटी डिस्पेंसरी होती है, इसके माध्यम से हम कैसे लोगों को जागरूक करें कि घर में ही प्राथमिक उपचार लें और आवश्यकता हो तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें। तो इस उद्देश्य के तहत डोईवाला में हमारे यहाँ के जो समाज सेवी हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी, श्री सुंदर जी, इन सब लोगों ने अपने सहयोग से यहाँ पे हम लोगों के कैंप के लिए व्यवस्था करी और यूनिवर्सिटी के टीम ने यहाँ दवाई और चिकित्सकों को लाए हैं। इनका आयुर्वेदिक परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, इनका प्रकृति परीक्षण और डू डोंट के साथ साथ एक इनको आयुर्वेद से जुड़ने के लिए जागरूकता का व्याख्यान भी दिया जा रहा है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।